हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास टेंथ के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ओ इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। मीन्स ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके इंटीरियर में क्या है, वो एक पॉइंट है, राइट। देन शो दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। मीन्स अगर ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ को ज्वाइन कर दिया जाता है, सो इस लाइन सेगमेंट का स्क्वायर प्लस इस लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इस लाइन सेगमेंट के स्क्वायर प्लस इस लाइन सेगमेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। तो इसके अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया, एम एन एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज़ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, इज दैट। तो लिख देते हैं चलिए इसको, ए बी इज पैरेलल टू एम एन एंड ए एम इज पैरेलल टू बी एन, क्योंकि रेक्टेंगल है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड बाई कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ऑल्सो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, करेक्ट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये क्या है, पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल, सो दिस मस्ट बी अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी एन एम, ए बी एन एम इज अ रेक्टेंगल, ऑल्सो इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, एम एन सी डी, इज दैट राइट। अगर ये रेक्टेंगल हैं दोनों, तब ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, ये भी एंगल कितने का होगा 90 डिग्री, और ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, बी एन अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, एंड एम डी साइड किसके इक्वल होगी, एन सी। चलो ये चीज़ अभी मैंशन कर देते हैं, क्लियर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ के अंदर क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर है ना, सो ओ ए स्क्वायर हम लोगों को यहीं से मिलेगा राइट ट्राइंगल से, राइट। सो नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इस ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं हम लोग, और क्या लिखा जा सकता है, इन ट्राइंगल ओ एम डी, सो कह सकते हैं ओ डी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, रख देते हैं। सो दिस इज वॉट एम ओ स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। सो इसके अंदर ओ बी क्या है, ओ बी हाइपोटेनियस है जब भी 90 डिग्री है, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल विच वन, ओ एन बी क्या बोला जा सकता है, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर या एन ओ स्क्वायर प्लस and that is equation number 4. Similarly, इस ट्राइंगल के अंदर क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल विच वन, ओ एन सी हाइपोटेनियस क्या है, ओ सी, सो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5, राइट गाइस। अब हम लोगों को कूब की कंडीशन अगर देखें तो क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यही साइड हम लोग लेके चल रहे हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ले आए तो प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो यही कर रहे हैं हम लोग, देयरफॉर क्या लिया हम लोगों ने, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। चलिए ओ ए स्क्वायर की तो वैल्यू है हम लोगों के पास कितना है, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, रख देते हैं ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, करेक्ट। ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर देखें तो ओ सी स्क्वायर यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, करेक्ट।
क्या किया हम लोगों ने, सिंपली वैल्यू रख दी है। अब हम लोग आते हैं ए एम स्क्वायर, सो ए एम स्क्वायर इज देयर। अब ए एम स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बी एन स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने शो किया था। ए एम इज इक्वल्स टू वॉट, बी एन रख देते हैं। सो दिस इज वॉट बी एन स्क्वायर प्लस एम ओ, करेक्ट, एम ओ को एम ओ ही रहने देते हैं, एम ओ स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर इज दिस, ओ एन स्क्वायर को ओ एन स्क्वायर ही रहने देते हैं। और एन सी, एन सी इज इक्वल्स टू वॉट, एम डी शो किया है हम लोगों ने, एन सी इक्वल्स टू वॉट, एम डी, तो रख सकते हैं इसके प्लेस पे वॉट, एम डी स्क्वायर बाई वन। क्वेश्चन नंबर वन से सारी वैल्यूज रिप्लेस करिए हम लोगों ने। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एन स्क्वायर। सो वेयर इज बी एन, राइट, बी एन स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ना ओ एन के साथ हम लोग बना लेते हैं। सो बी एन स्क्वायर और ओ एन स्क्वायर को एक ब्रैकेट में कंसिडर कर लेते हैं। सो बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर रखा, और एम ओ स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर इसको ना दूसरे ब्रैकेट के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बी एन स्क्वायर, सो वेयर इज बी एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, ओ बी स्क्वायर के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर रख देते हैं। सो दिस इक्वल्स टू वॉट, ओ बी स्क्वायर प्लस, अगेन हम लोग देखें एम ओ स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम ओ स्क्वायर, सो वेयर इज एम ओ स्क्वायर, एम ओ स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, ओ डी स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री रख सकते हैं ओ डी स्क्वायर। तो क्या किया हम लोगों ने, बाई इक्वेशन नंबर विच वन, थ्री एंड फोर, इक्वेशन नंबर थ्री और फोर से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू पुट करी है, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।